Hello everyone, welcome to episode 11 of this spoken English class. और हम सीख रहे हैं अभी स्ट्रक्चर से सीख रहे हैं अपन, ठीक है? यानी कुछ एक हथियार हमारे पास होने चाहिए जिनकी मदद से हम अपनी कुछ बात को कह सके. तो स्पोकन की क्लास है तो इसको स्पोकन के रूप में ले, प्लीज डोंट टेक इट एज ए ग्रामर क्लास. ये ग्रामर क्लास नहीं है. और अगर आपका अच्छा साथ रहा, ठीक है ना, प्रॉपरली आप वीडियो को लाइक करते हो, कोई कमेंट करते हो, अगर ऐसा साथ रहा तो ये सीरीज आगे और जारी रहेगी. और हो सकता है समय आने पर अपन जो है ग्रामर के भी कुछ टॉपिक ले लेवें. और यदि आपका साथ नहीं रहा तो फिर जो है इस सीरीज को आगे जारी रखना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार ये चीज़ आपके लिए बनाई जा रही है. इसमें मेरा कोई फायदा छुपा हुआ नहीं है. इट इज़ ओनली फॉर यू. एंड इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू वर्क टुगेदर, साथ देते हो, तो इस सीरीज़ को अपन आगे जारी रखेंगे. आज एपिसोड 11 है इसका. ऑनलाइन वैसे तो बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही, लेकिन ऑनलाइन मतलब वीडियो रिकॉर्डेड के रूप में इसका 11th एपिसोड है ये. और आज की हमारी जो पहली स्ट्रक्चर है वो है हाउ कम. ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी से पूछना ना भी ऐसा क्यों है, ठीक है ना, भी ये ऐसे क्यों है, ऐसी बात क्यों है, ये ऐसा क्यों है. जैसे हमने किसी से पूछना है भी ऐसा क्यों है कि तुम्हारे माता पिता बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं. हाउ कम, हाउ कम बोलेंगे पहले हम. हाउ कम योर पेरेंट्स वरी सो मच. हाउ कम योर पेरेंट्स वरी सो मच. ऐसा क्यों है कि लोग काम से बचते हैं. शिर्क, SHIRK के शिर्क, वर्क का मतलब होता है काम से बचना. ऐसा क्यों है कि लोग काम से बचते हैं. हाउ कम पीपल शिर्क वर्क. ऐसा क्यों है, हाउ कम. ऐसा क्यों है कि तुम इतने अपसेट हो, इतने अपसेट हो, सो अपसेट, इतने अपसेट हो, सो अपसेट. इतना सुंदर, सो ब्यूटीफुल, इतना बड़ा, सो बिग, इतना दूर, सो फार, इतना प्यारा, सो लवली. हाउ कम यू आर सो अपसेट. ऐसा क्यों है कि वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा. हाउ कम ही विल नॉट कॉल यू. लड़की होती तो हाउ कम शी विल नॉट कॉल यू. प्रोसीड करें. ऐसा क्यों है कि तुम इतनी देर बाहर रहे. बाहर रहे कहीं भी, स्टे माने ठहरना होता है, रहना होता है. स्टेड आउट बाहर ठहरे, स्टे आउट, स्टेड आउट सो लेट. स्पोकन करनी है तो छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ी बनाते जाइए. स्टेड आउट सो लेट, यू स्टेड आउट सो लेट. यू, यू की जगह आप ही भी लिख सकते हो. ही स्टेड आउट सो लेट. लड़की होती तो शी स्टेड आउट सो लेट. अब इसको पूरा जोड़ दीजिए. हाउ कम यू स्टेड आउट सो लेट. हाउ कम. ऐसा क्यों है या ऐसा कैसे है या ऐसा किस वजह से है कि तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो. तुम फैसला नहीं कर सकते. ऐसा क्यों है. हाउ कम यू कैन नॉट मेक ए डिसीजन. फैसला करना, मेक ए डिसीजन, मेक ए डिसीजन. यू कैन नॉट मेक ए डिसीजन. हाउ कम, हाउ कम यू कैन नॉट मेक ए डिसीजन. ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा मुझ पे सवाल उठाते हो. यू ऑलवेज क्वेश्चन मी. हाउ कम यू ऑलवेज क्वेश्चन मी. अब क्वेश्चन की जगह कुछ भी रख सकते हैं आप. विरोध करना, अपोज. हाउ कम यू ऑलवेज अपोज मी. प्रेज, प्रशंसा करना. हाउ कम यू ऑलवेज प्रेज मी. हाउ कम यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी. How come you always help me? How come? ऐसा क्यों है कि हम कभी सहमत नहीं होते. How come we never agree? How come we never agree? हम सहमत नहीं होते. ऐसा क्यों है कि वो नहीं आएगी. How come she will not come? लड़का होता तो how come he will not come? तुम्हें कहना है हाउ कम यू विल नॉट कम.
वे होते तो हाउ कम दे विल नॉट कम, मैं होता तो हाउ कम आई विल नॉट कम, और लास्ट में ओवर, कम ओवर। ये थे हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर। लेट्स प्रोसीड टू सेकंड स्ट्रक्चर, और वो है व्हाट आर द चांसेस ऑफ, और उसके बाद वर्ब फॉर यानी आईएनजी वाली फॉर्म। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, कभी कभी हमें ये पूछना पड़ता है कि ये काम होने की कितनी संभावना है। ठीक है भैया, बारिश होने की कितनी संभावना है, उसके टाइम से घर आने की कितनी संभावना है, उसके सुधरने की कितनी संभावना है। ठीक है, पेपर टाइम पे हो जाए इसकी कितनी संभावना है। तो ऐसे जब पूछना है हमें, तो हमें पूछना है व्हाट आर द चांसेस ऑफ। पहले तो ये अपने माइंड में फिट कीजिए, व्हाट आर द चांसेस ऑफ। अब आपके पास एक स्ट्रक्चर है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ। अब आगे जो बात बोलनी है वो हम बोल सकते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टिकट्स, टिकट प्राप्त करने की कितनी संभावना है। वह होना, दैट हैपनिंग, इसकी कितनी संभावना है। वो बात, जो भी बात चल रही है, वो बात होने की कितनी संभावना है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग, व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग। आज बारिश होने की कितनी संभावना है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट रेनिंग टुडे, व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट रेनिंग टुडे, इट रेनिंग टुडे, व्हाट आर द चांसेस ऑफ। लॉटरी जीतने की कितनी संभावना है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, विनिंग द लॉटरी, व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग द लॉटरी। आज तुम्हारी घर पर रहने की कितनी संभावना है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू, व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू स्टेइंग एट होम, सॉरी स्टेइंग होम टुडे, व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू स्टेइंग होम टुडे। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, नोट के अंदर लिखा हुआ है, पहले इसको देखते हैं। नोट में लिखा है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ, वर्ब फॉर तो है, इसकी जगह यानी द की जगह मैं द न लगाऊं, इसकी जगह योर लिख दूं या और लिख दूं, बाकी सब चीज सेम है, द न लगाऊं उसकी जगह योर चांसेस लिखूं या और चांसेस लिखूं तो क्या फर्क आ जाएगा। कुछ खास फर्क नहीं आएगा, योर चांसेस लिखा है तो तुम्हारी संभावना, और ओवर चांसेस लिखा है तो हमारी संभावना, और योर और की जगह कुछ और भी आ सकता है, हिज चांसेस भी आ सकता है, हर चांसेस भी आ सकता है, देयर चांसेस भी आ सकता है, ठीक है, माई चांसेस भी आ सकता है। जैसे हम किसी से पूछे तुम्हें तुम्हारे नौकरी प्राप्त करने की कितनी संभावना है, व्हाट आर द सॉरी व्हाट आर योर चांसेस, व्हाट आर योर, तुम्हारी संभावना पूछ रहा हूं मैं, व्हाट आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब। ठीक है, व्हाट आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब, तुम्हारी सुधार करने की कितनी संभावना है, व्हाट आर योर चांसेस ऑफ इंप्रूविंग, इंप्रूविंग, व्हाट आर योर चांसेस ऑफ इंप्रूविंग, तुम्हारी यहां से चलने की कितनी संभावना है, व्हाट आर योर चांसेस ऑफ मूविंग, व्हाट आर योर चांसेस ऑफ मूविंग, हमारे साथ रहने की कितनी संभावना है, व्हाट आर आर चांसेस ऑफ स्टेइंग टुगेदर, व्हाट आर आर चांसेस ऑफ स्टेइंग टुगेदर, हमारी साथ काम करने की कितनी संभावना है, व्हाट आर आर चांसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं हम, हमारी साथ जाने की कितनी संभावना है, व्हाट आर आर चांसेस ऑफ गोइंग टुगेदर, गोइंग टुगेदर वर्किंग टुगेदर स्टेइंग टुगेदर। ये था चांसेस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ, व्हाट आर योर चांसेस ऑफ, व्हाट आर माई चांसेस ऑफ, व्हाट आर हिज चांसेस ऑफ, व्हाट आर हर चांसेस ऑफ, व्हाट आर आर चांसेस ऑफ, व्हाट आर देयर चांसेस ऑफ।
next structure. There is something wrong with plus noun. कई बार हमें ऐसा बोलना पड़ता है, यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया. तो जिस भी चीज में गड़बड़ हम बताना चाह रहे हैं उसको लगाइए नाउन की जगह. ओके, जैसे मैं कहना चाहूं मेरी घड़ी में कुछ तो गड़बड़ है. देर इज समथिंग रॉन्ग विद, विद के बाद अब नाउन क्या है, माई वॉच. माई वॉच या दिस वॉच या योर वॉच, लड़की है तो हर वॉच, लड़का है तो हिज वॉच. तो जब भी हमें यह कहना है कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, कोई तो दिक्कत है, मतलब जैसे गड़बड़ है का मतलब वहां दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कुछ खराबी है, कुछ भी हो सकता है. देर इज समथिंग रॉन्ग विद, और विद के साथ वो नाउन लगानी है. देर इज समथिंग रॉन्ग विद. अब जैसे आपको कहना है यार मेरे लैपटॉप में कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें. देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई लैपटॉप. तुम्हारा होता तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लैपटॉप. अगर मैं बात कर रहा हूं मेरा पुराना लैपटॉप, माई ओल्ड लैपटॉप, देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई ओल्ड लैपटॉप. मेरा नया लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई न्यू लैपटॉप. और अगर ये कहना है कि कोई खराबी नहीं है तो समथिंग की जगह आप लिखोगे नथिंग. अगर आपको कहना है कोई खराबी नहीं है तो समथिंग की जगह आप लिखोगे नथिंग. ये चीज लिखोगे आप नथिंग. तो फिर आप बोलोगे देर इज नथिंग रॉन्ग विद माई न्यू लैपटॉप. देर इज नथिंग रॉन्ग विद माई न्यू लैपटॉप. मेरे नए लैपटॉप में कोई गड़बड़ नहीं है. There is something wrong with my car. मेरी कार में कुछ गड़बड़ है. सामने को लगा, no, there is nothing wrong with your car. There is nothing wrong with your car. मेरे सेलफोन में यानी फोन में, मोबाइल में कुछ तो गड़बड़ है. There is something wrong with my cell phone. Actually, man, there is nothing wrong with your cell phone. Something wrong, nothing wrong. मेरे सिर में कुछ तो गड़बड़ है. There is something wrong with my head. तुम्हारे सोचने के तरीके में कुछ तो गड़बड़ है. सोचने का तरीका, way of thinking. Way माने रास्ता भी होता है और way का मतलब तरीका भी होता है. इंग्लिश में कहावत होती है Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. जहां चाह वहां राह, हिंदी में हम बोलते हैं. Where there is a will, W-I-L-L, will चाह होती है और way रास्ता होता है. Where there is a will, जहां चाह है, there is a way. वहां राह भी निकाल लेते हैं हम. तो हम सामने वाले कह रहे हैं तुम्हारे सोचने के तरीके में कुछ तो गड़बड़ है. देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर वे ऑफ थिंकिंग. और योर ना कहके कोई लड़का होता तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज वे ऑफ थिंकिंग. लड़की होती तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद हर वे ऑफ थिंकिंग. ये जो स्ट्रक्चर होती है ना हमारे, एक बार ऑटोमेटिक फिट हो जाती है तो फिर उससे हम अदर सेंटेंसेस बना लेते हैं. अगर कहें तुम्हारे जो एटीट्यूड है, तुम्हारी जो सोच व्यवहार है ना, तरीका है ना जो तुम्हारा एटीट्यूड, उसमें कुछ तो गड़बड़ है. देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर एटीट्यूड. देर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज एटीट्यूड. देर इज समथिंग रॉन्ग विद हर एटीट्यूड. देर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर एटीट्यूड. तुम्हारे कुत्ते में कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है यार तुम्हारे कुत्ते को, खाना नहीं खा रहा, सही दिख नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. There is something wrong with your dog. हमारे रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है. रिश्ता, relationship. There is something wrong with our relationship.
अलार्म क्लॉक में कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर अलार्म क्लॉक, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर अलार्म क्लॉक. तो दिस वॉज टूडेज लेसन, होप यू एंजॉयड इट. और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हम कर चुके हैं, कुछ एक और बाकी है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं. उसके बाद हम जो है रियल लाइफ, जैसे किसी को ग्रीट कैसे करना है, मतलब आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो और आप इतना भी नहीं सीख पाए कि किसी को बधाई देनी है तो कैसे दें, ठीक है, या किसी को कोई बुरा कार्य हो गया, कुछ दुख भरी बात होगी तो आप अपनी संवेदनाएं इंग्लिश में कैसे व्यक्त करें, बोल के या लिख करके, किसी की कॉपी करके नहीं, आपकी खुद की होनी चाहिए वो. उन चीज़ों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर्स को रोक देंगे, ख़त्म कर देंगे मतलब, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे. अदरवाइज मे बी प्रोबेबली दिस इज द लास्ट वीडियो, ठीक है, क्योंकि स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं तो टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो फिर टाइम वहीं देना बेटर रहता है जहां उस टाइम को कोई उसकी वैल्यू लेने वाला हो. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे लगता है आप इंटरेस्टेड हो, तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर अपने डिसकंटिन्यू कर देंगे. ईश्वर इच्छा होगी जब दोबारा शुरू कर लेंगे, चैनल तो ऑलवेज ओपन है ही, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से करोगे तभी बात बनेगी. ओके, मत्था मारना पड़ेगा और इतना मारना पड़ेगा कि ये वर्ड्स में ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकले, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू मैन, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. अब देयर इज समथिंग रॉन्ग की जगह हम किसी से पूछ रहे, तुम्हारे क्या गड़बड़ है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, दैट्स इट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी. तो इस तरह से प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट. और इतने तक सीमित नहीं रह जाए कि बस इसको लिखा एंड दैट काम एंड, ओह नो, काम लिखने के बाद ही तो स्टार्ट होता है, ये काम ही बोलने का है. अनटिल एंड अनलेस यू स्पीक यू आर मिसिंग द पॉइंट, आप पॉइंट मिस कर रहे हो, ठीक है. तो अभी इस लेसन के लिए एपिसोड 11 में इतना ही है. जय हिंद, थैंक यू.